हाय अगेन। सो अभी हम लोग इस नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव ऑन कर रहे हैं, इक्वल सम पार्टीशन प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तो हम लोगों का फ्लो क्या रहेगा पढ़ने का? हम लोग देखेंगे पहले कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या वो पूछता है हम लोगों को, या आउटपुट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और अपने को आउटपुट में क्या चाहिए। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे सिमिलर है, सबसे सेम फंक्शन देखेंगे जो अपन बना चुके हैं और कैसे सिमिलर है उससे। ठीक है, फिर अपन देखेंगे इसमें ऑड और इवन का क्या सिग्निफिकेंस है, मैं तुमको बताऊंगा। अभी वो ज़्यादा सेंस नहीं करेगा कि क्या बोल रहे हो। अभी उसके आखिर में कोड वेरिएशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सारी इसी फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इजी है, बहुत सिमिलर है इसके, काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है ये और स्पीड में ख़त्म हो जाएगा यार। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अच्छा तुम लोगों को इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि इक्वल सम पार्टीशन प्रॉब्लम। ठीक है, उससे पहले क्या था? सबसेट सम था, तो नाम में ही सिमिलरिटी लग रही है। और अभी तुम जब इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखोगे ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी लगेगी। जो इसमें करना था क्या है, वो इसमें भी करना है। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है, हम लोग को एक्चुअली में इक्वल सम पार्टीशन करना है। हम लोगों को क्या दे रखा हुआ है, जैसे कि एक एरे दे रखा है। पहले तो हम लोग को एक एरे गिवन होगा और आउटपुट में हमको केवल करना है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये एरे कुछ ऐसे दो सबसेट में डिवाइड करना है इस एरे को, इस एरे को ध्यान से सुनना, इस एरे को दो सबसेट में डिवाइड करना है। जैसे कि इन दोनों सबसेट का से इसका सम आया, लेट्स से इसका सम आया एक्स, तो इसका सम भी एक्स आए। तो दो सबसेट में इसको डिवाइड करो ऐसे जिन दोनों का सम आए इक्वल, राइट? और अपने को डिवाइड करके बताना नहीं है ये सबसेट क्या है, अपने को खाली देना है कि ट्रू या फॉल्स, कि पॉसिबल है कि नहीं। जैसे कि इस सबसेट को अगर अपन देखें, तो एक सबसेट अगर मैं बनाऊँ 1 5 5, राइट? और एक सबसेट बनाता हूँ मैं 11 का, तो इसका सम क्या है 11, और इसका सम क्या है 1 प्लस 5 6 6 प्लस 5 11, राइट? तो इन दोनों का सम क्या आ गया इक्वल। तो ऐसा पार्टीशन पॉसिबल है, पार्टीशन करना है अपने को, ऐसा पार्टीशन पॉसिबल है कि क्या आ रहा है इक्वल सम, ऐसा पार्टीशन पॉसिबल है कि क्या आ रहा है इक्वल सम, जो कि क्या है 11, राइट? आगे बात समझ में? तो अपने को मैं एक बार सम अप कर देता हूँ कि क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि एक एरे दे रखा होगा, उस एरे को दो पार्टीशन करना है, एक एरे है उस एरे के दो पार्टीशन करना है, एक ये और एक ये। जरूरी नहीं है इक्वल साइज़ क्यों, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, एक एम्प्टी भी हो सकता है, पर वो होगा नहीं। पर अगर देखें तो कुछ भी किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। और दो एक एरे को अपन दो पार्टीशन में करेंगे, ये पार्टीशन 1 पार्टीशन 2। जब पार्टीशन 1 के जो एरे है उसको सम करेंगे तो सम 1 आएगा, पार्टीशन 2 के जो एरे है उसको सम करेंगे तो सम 2 आएगा, और ये दोनों सम आपस में इक्वल होने चाहिए। क्या ऐसे दो पार्टीशन पॉसिबल हैं? यस और नो। क्या ऐसे दो पॉसिबल पार्टीशन पॉसिबल हैं? यस और नो। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, राइट? पार्टीशन 1 का सम आया है, पार्टीशन 1 का सम आया सम 1, पार्टीशन 2 का सम आया सम 2, ये दोनों सम आपस में इक्वल है, मतलब कि एक्चुअल में वो सम ही है, कुछ नहीं है। तो ऐसे दो पार्टीशन पॉसिबल है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स, राइट? ओके okay. तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी अपन सबसेट सम देखते हैं। सबसेट सम को एक बार बहुत क्विक रिविजन कर लेते हैं कि सबसेट सम, मैं बोलता हूँ कि मैंने बताया कि सबसेट सम अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ तो क्या फंक्शन होगा? बोलिन रिटर्न करेगा वो, बोलिन और सबसेट सम। ठीक है, इसमें क्या इनपुट होगा? सबसेट सम का इनपुट क्या था? एक एरे दे रखा था, हमको बोल रहे थे क्या ये है, इस एरे में ऐसा कोई सबसेट है जो इसके बराबर हो, 11 के बराबर हो, पूछ रहा था। एक नंबर दे रखा है तो इंट एरे दे रखा होगा, ठीक है, और एक नंबर दे रखा होगा इंट सम, राइट? दे रखा है, नहीं दे रखा, तो एक सम दे रखा होगा, सम ले लेते हैं, और एरे का साइज दे रखा होगा इंट एन मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि अगर मेरे को ऐसा कुछ दे रखा है फंक्शन में, एक एरे दे रखा है, उसका साइज दे रखा है ऑफकोर्स, और एक सम दे रखा है, तो मैं आखिर में रिटर्न करा सकता हूँ कि ऐसा सबसेट पॉसिबल है या नहीं। वहाँ पर क्या था, 2 3 8 और 10 था, तो मैं ये 11 निकालना था तो आ रहा था सबसेट, तो मैं निकाल सकता हूँ कि हाँ 3 और 8 का सबसेट बनाओगे तो 11 सम आ सकता है, ट्रू या फॉल्स आके रिटर्न कर सकता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। पहले यहाँ पर सम है, ये एन है, इसका एक मैट्रिक्स बनाऊंगा T(n+1) सम+1, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको इनिशियलाइज कर दूंगा यहाँ से पूरे फॉल्स से, यहाँ पूरे ट्रू से, ये पहले इनिशियलाइजेशन कर दूंगा, उसके बाद मैं कोड लिख दूंगा जो मैंने नैपसैक का थोड़ा सा वेरिएशन बताया था, नैपसैक का वेरिएशन करके वो मैं कोड लिख दूंगा। तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि अगर मेरे को कोई बोले कि भाई सबसेट सम लिख दे मेरे लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, अच्छा मेरे को तू एरे दे दे, सम दे दे और एरे का साइज दे दे यार।
अगर मेरे को ये तीन चीज़ें कोई मेरे को आके देता है कि भाई ये ले, और मेरे लिए सबसे सम लिख के फंक्शन दे देगा क्या, तो मैं फंक्शन लिख के दे सकता हूँ जो मेरे को आके रिटर्न करेगा क्या ट्रू या फिर फॉल्स। इतना तो मेरे को अभी तक आ गया है, राइट। अब अपन आगे देख रहे हैं कि इसका यूज़, अच्छा तुम्हें सिमिलरिटी दिख गई इस वाले क्वेश्चन में, जो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या है, इक्वल सम पार्टीशन, कि अपने को एक एरे दे रखा है 1, 5, 11 और 5, और अपने को निकालना है क्या इस एरे को दो पार्टीशन में, दो सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, जिनका जो सम है वो इक्वल है, जिनका सम इक्वल है। इसमें भी क्या था कि एक एरे दे रखा था, एरे दे रखा था 10, और अपने को एक सबसेट निकालना था। तो क्वेश्चन में सिमिलरिटी दिख रही है क्या, ये सबसेट सम जो क्वेश्चन था, ये इक्वल सम पार्टीशन जो अभी अपन कर रहे हैं, इक्वल सम पार्टीशन कितना सिमिलर है, इसमें भी एक सबसेट निकालना था, इसमें भी एक सबसेट निकालना है, और थोड़ा सा डिफरेंस है, पर सबसेट इसमें भी निकालना था, सबसेट इसमें भी निकालना था, सम इसमें भी दे रखा था, इसमें भी अपने को सम निकालना है कि ये इसका सम और इसका सम दोनों में इक्वल हो, और सम तो अपने को इसमें भी दे रखा था कि इस सम के बराबर सबसेट हो, ठीक है। तो काफ़ी सिमिलरिटी लग रही है, तो अपने को इतना समझ में आ गया कि हाँ अगर अपने को ये फंक्शन जो है सबसेट सम वो कहीं ना कहीं तो इससे रिलेटेड तो है। अब कैसे है अपन देखते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैंने बोला मेरे को क्या चाहिए, ये सम और ये सम इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये सम और ये सम, सम 1 सम 2 इक्वल होना चाहिए। अच्छा तो मैं तुमको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि लेट से ये एरे है, मैंने इसके दो पार्टीशन किए, पार्टीशन 1 पार्टीशन 2, सम 1 आया, सम 2 आया, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरे को चाहिए कंडीशन में, ये दोनों सम इक्वल ही हैं, तो ये भी एस है, लेट से ये भी एस है। तो एक्चुअल में अगर मेरे को प्लस करूँ तो एस, ये दोनों यूनिक एलिमेंट है, जो इसमें आया है एरे का ये एलिमेंट, अगर इसमें आया तो ये एलिमेंट इसमें नहीं जा सकता, एक एलिमेंट किसी एक ही पार्टीशन में आ सकता है, ऐसा नहीं है ये एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है। तो एस प्लस एस अगर मैं करूं, एस इसका सम था, एस इसका भी सम है, तो एरे का सम क्या हो गया, एरे का सम हो गया 2s। 2s से क्या मतलब है, क्या देख रहे हैं अपन, 2s से क्या मतलब है, 2s से मतलब है कि ये नंबर इवन है। मेरे को कुछ नहीं पता, 2 × सम है, वो इतना पता है 2 × सम है तो नंबर इवन होगा, तो नंबर इवन है। तो ये पॉसिबल कब है करना, अपने को एस और एस कब मिल सकता है, जब अपने को नंबर इवन दे रखा हो। अरे बात समझ में, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या था, ये मतलब नंबर इवन दे रखा, मतलब क्या है कि एरे के सारे एलिमेंट का सम क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। यहाँ देखो 1 + 5 + 11 + 5 = 22, 22 आ रहा है जो कि इवन है। अगर भाई 22 आ रहा है तभी तो मैं इसको 11 और 11 में चेंज कर सकता हूँ, दिमाग है ना, इतना तो दिमाग है ही अपने पास, कॉमन सेंस है, तो केवल इसमें कुछ भी अपन बहुत हाई फाई कोडिंग नहीं कर रहे और ना ही कोई खतरनाक कोड लिख रहे हैं। अपने को इतना समझ में आ रहा है कि भाई ये 22 आ रहा है, अगर इस पूरे एरे का सम प्लस करने के बाद जो एरे अपने को दे रखा है, तो मैं इसको 11 और 11 में कर सकता हूँ। अगर ये एरे का सम 23 आता, तो भाई मेरे पास इस दुनिया में कोई मेथड नहीं है कि मैं इसको इक्वल सम में बांट दूँ, जबकि मेरे को ये पता है कि हाँ एरे में इंट वैल्यू हुई है, इंटीजर वैल्यू, नंबर वैल्यू नहीं है, पॉइंट भी नहीं है, तो इसको तुम कैसे बांट सकते हो। एक में 11 करोगे तो एक में 12 करना ही पड़ेगा, इक्वल 0.5 0.5 कैसे कर सकते हो, जब 0.5 कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर, इंटीजर वैल्यू है। तो इतना तो मेरे को समझ आ गया, अगर एरे का सम 22 आ रहा है मतलब इवन आ रहा है, तो मैंने 11 11 बांट दिया। अगर ये 23 या फिर 21 आया हुआ था, तो मैं इसको 11 11 में नहीं कर सकता था, एक तो 11 होता और दूसरा 12 होता। इतना तो समझ में आ गया ना आपने। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपने को, एक तो थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए अपन, एक स्टेयर चढ़ गए, यहाँ पर थे अपन एक स्टेयर चढ़ गए कि इफ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को एरे दे रखा है, ये एरे दे रखा है राइट, खाली इसमें इनपुट में क्या है, खाली एक एरे दे रखा है, आउटपुट करना है ट्रू या फॉल्स। तो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, एक स्टेप आगे क्या बढ़ चुके हैं, अपने को इतना पता चल चुका है कि अगर एरे का सम करूंगा मैं एक लूप लगा दूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे का जो भी साइज जो दे रखा होगा एन या जो भी, मैं एक सम वेरिएबल बना दूंगा इंट सम इज इक्वल टू 0, लॉन्ग बना देना अगर ये तुम्हें डर हो कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो लॉन्ग बना देना ताकि ये सम ओवरफ्लो ना हो। अभी मैं वो नहीं देख रहा हूँ, उनको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, सम प्लस एरे ऑफ आई, तो मेरे पास इस एरे में सम आ जाएगा, ठीक है, ये सम वेरिएबल में इस एरे का सम आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इस केस में अगर ये एरे दे रखा है मेरे को
तो मेरे पास 22 आ जाएगा, सम वेरिएबल 22 आ जाएगा। फिर मैं अगर ये सम वेरिएबल चेक कर लूँ तो मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ जाऊँगा ना, मैं बोलूँगा इफ़ सम मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर इवन है, अगर ऐसे सम मॉडुलो 2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि सम क्या है, इस सम इज इक्वल टू ऑड, अगर सम ऑड आ रहा है, ठीक है, मैंने चेक कर लिया इफ सम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सम ऑड है तो मैं सीधे ही रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। इस दुनिया में कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको इक्वल सम पार्टीशन में कर सकूं। 23 आ रहा है तो भाई 11 और 12 में ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो, कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको 11 11 में कर दूं, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर एल्स, एल्स में क्या मतलब है कि सम क्या है, सम इज इक्वल टू इवन, सम इवन आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, वो अपन सोचने वाली बात है, वो थिंक करेंगे अभी, है ना। अगर सम क्या आया, इवन आया तो अपन क्या करना है वो अभी सोचते हैं अपन, पर अभी अपन को ये तो समझ आ गया कि अगर सम ऑड है तो अपन को रिटर्न करना है फॉल्स, दैट इज फॉर श्योर, ये तो श्योर है अपन, ठीक है। अब बहुत सिंपल तरीके से इसको एंड करते हैं, तुम बोलोगे वाह यार कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या था, क्वेश्चन दे रखा था 1 5 11 5, एक बार हमको पता चल गया अगर इसका सम क्या आ रहा है, एक बार हमने इसका सम निकाल लिया, इसका सम आ रहा है 22, एक बार हमको पता चल गया इसका सम 22 है, तो ये प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई है। तो आपको हमको अब हमको क्या निकालना है, हमको ये पता चल गया अगर सम इवन है तो दो सबसेट इक्वल सम के मिल जाएंगे, मतलब कि हमको एक सबसेट मिल जाएगा जो कि 11 है और एक और सबसेट मिल जाएगा जो भी 11 है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अपन को ये समझ में आया कि अगर इसका सम ऑड आता है जैसे कि 23, तो अपन कैसे भी करके इसको बराबर दो सबसेट में नहीं बांट सकते, एक 11 का बनेगा एक 12 का बनेगा, ठीक है, किसी का भी बने पर 11 11 का नहीं बन सकता, 11 11 बनने के लिए इवन सम आना चाहिए। तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि ये प्रॉब्लम रिड्यूस कैसे हो रही है, ये प्रॉब्लम रिड्यूस ऐसे हो रही है कि अपने को इसका सम निकल के आ गया 22 22 सम निकल के आ गया, तो अपने को अभी क्या फाइंड करना है, दो पार्टीशन फाइंड करना है जिनका सम 11 हो, है ना, गलत, अपने को एक पार्टीशन फाइंड करना है जिसका सम 11 हो, दूसरा का 11 अपने आप ही होगा, अगर 22 है तो मेरे को 11 का फाइंड कर दूँ, दूसरे का 11 अपने आप ही होगा, इक्वल पार्टीशन हो जाएगा। 30 आया अगर मैं एक पार्टीशन सम 30 आया है, अगर मैं एक पार्टीशन 15 का निकाल दूंगा, दूसरा पार्टीशन सम खुद ही 15 आ जाएगा ना, तो मेरे को एक सबसेट निकालना है इस एरिया में से जिसका सम 11 है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम पहले वाले प्रॉब्लम के बराबर आ गई ना, तो मेरे को इस एरे में से जो एरे दे रखा 1 5 11 5, उसमें से एक सबसेट निकालना है जिसका सम आए 11, तो मेरे को पता चल जाएगा अगर एक सबसेट का 11 आया है, क्योंकि इसका सम क्या था, इवन था, 22 था, तो दूसरे का भी 11 आएगा। मैंने 11 ही क्यों चूज़ किया, सम बाई 2, बेसिकली मैंने सम बाई 2 करा जो कि 11 आ गया, और मेरे को क्या निकालना है, ऐसा सबसेट निकालना है जिसका सम 11 हो। तो ये पुरानी वाली प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गई ना प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या रिड्यूस हो गई है कि अगर मैं पहले सम करूंगा एरे का और सम आता है मेरे पास ऑड तो रिटर्न फॉल्स कभी भी मैं नहीं कर सकता, पर अगर सम आता है इवन, अगर सम आता है इवन तो मेरे को इस सबसेट में से, इस एरे में से एक ऐसा सबसेट निकालना है, मान लो मेरे को निकालना है 1 5 5, ऐसा सबसेट निकालना है, तो दूसरा सबसेट बचा हुआ क्योंकि 22 सम है इसका, अगर मैं 11 का निकाल दूंगा मतलब सम बाई 2 का निकाल दूंगा, तो दूसरा भी खुद ही सम बाई 2 होगा दूसरा सबसेट, तो मेरे को इसमें से एक सबसेट निकालना है जो कि सम बाई 2 का है कि नहीं। तो पुराने वाले प्रॉब्लम में भी तो ये बोला था कि एक एरे दे रखा था, उस एरे में से अपने को सम दे रखा था, तो अपने को निकाला था इस एरे में क्या इस सम का एक सबसेट पॉसिबल है कि नहीं, और अभी भी वही है, बस अपने को क्या करना है, अगर सम इवन है तो अपने को रिटर्न कर देना है सबसेट सम जो अपने पहले फंक्शन लिखा था सबसेट सम, उसमें ये एरे पास करके, और इस वाले अपने इस वाले जो प्रॉब्लम में याद है, इस वाले प्रॉब्लम में केवल और केवल एक एरे दे रखा है, कोई सम वैल्यू नहीं दे रखी। तो अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ पर इसका सम निकाला और सम बाई 2 पास कर देंगे, मतलब कि अगर सम इवन है, अगर सम इवन है तो अपने को ये देखना कि इस एरे में, अगर एरे का सम 22 आ रहा है तो अपने को देखना है क्या इस एरे में एक ऐसा सबसेट प्रेजेंट है जिसका सम 11 है क्या, तो अपन सम बाई 2 से सम पास कर देंगे, और ऐसा अगर सबसेट प्रेजेंट है तो दूसरा सबसेट भी प्रेजेंट होगा, तो इक्वल सम पार्टीशन अपने आप हो जाएगा, कितनी अच्छी बात है। कोड लिख लें, कोड लिख लेते हैं, कोड इसका बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को इनपुट में क्या क्या दे रखा है, इनपुट में दे रखा है खाली एक एरे,
एक एरे दे रखा है इनपुट में और कुछ भी नहीं दे रखा। मैंने क्या करा सबसे पहले, और साइज दे रखा है इनपुट में एरे का, ऑफकोर्स वो तो दे रखा होगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, फॉर एंड आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, और मैंने सम निकाल दिया इसका, सम प्लस एरे ऑफ आई। एक वेरिएबल बना लेना सम, इंट सम वेरिएबल बना लिया जो कि इनिशियलाइज करके अपन ने जीरो के साथ, ठीक है, ये सम वेरिएबल हो गया, इनिशियलाइज हो गया जीरो के साथ, सम निकाल लिया। फिर मैंने बोला इफ सम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर सम मॉडुलस 2 ऑड आ रहा है तो ये रिटर्न कर दो सीधे फॉल्स। ऐसे दो पार्टीशन रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, ऐसे दो पार्टीशन कभी बन ही नहीं सकते अगर ऑड सम है, 23 सम है, तो दो पार्टीशन ऐसे कभी बन ही नहीं सकते। पर अगर एल्स क्या है, सम इवन आ रहा है, एल्स इफ लिख देते हैं, चलो सम इज इवन, तो क्या करो, रिटर्न करो क्या, जो सबसेट सम अपन ने पहले लिखना सीख लिया ना, सबसेट सम फंक्शन मैंने बताया था तुमको कि अब मेरे को, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि अगर मेरे को तुम्हें एक फंक्शन दे दिया जाए सबसेट वाला, तुम्हें एक फंक्शन दे दिया जाए तो तुम सबसेट का फंक्शन लिख सकते हो। कहाँ गया वो पेज, राइट, ये रहा वो पेज। मैंने तुमको बोला था ना कि अगर तुमको एक सबसेट मैंने दे दिया जाए, एक एरे और एक सम दे दिया जाए, तो तुम, मैं मान के चला हूँ तो सबसेट का फंक्शन लिख सकते हो, तो वैसे ही वो सबसेट का फंक्शन लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। एक एरे और एक सम चाहिए मेरे को बस, तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं यही वाला एरे, और सम मेरे को यहाँ पर इनपुट में है नहीं, पर सम मैं कौन सा पास करूँगा, सम बाई टू, जो मैंने अभी सम करा है 22 का हाफ करके 11। 11 क्यों करूँगा, क्योंकि पता है कि अगर 11 का एक सबसेट मिल गया मेरे को तो दूसरा सबसेट भी 11 का यहाँ कहीं ना कहीं होगा जरूर। मेरे को एक निकालना है तो दूसरा 11 में खुद आ जाएगा और इक्वल सम पार्टीशन अपने आप भी हो जाएगा। तो अगर ये रिटर्न मेरे को ट्रू कर देगा तो मैं यहाँ से ट्रू कर दूंगा, अगर ये रिटर्न मेरे को करता है फॉल्स कि नहीं है भाई, तो मैं भी फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो ये इतना सा कोड है इसका, बस खत्म, डेट इज इट। आ रही आवाज समझ में, कितना सिंपल कोड है। अपन ने क्या करा, पहले नैपसैक पढ़ा, नैपसैक के बाद अपन आए सबसेट से प्रॉब्लम में, सबसेट से प्रॉब्लम करी हम लोगों ने, उसका कोड देखा, बहुत माइनर वेरिएशन थे, और इसके बाद से इससे भी कम माइनर वेरिएशन थे, किसमें, इक्वल सम पार्टीशन में। कोई नया कोड सीखा ही नहीं हमने, बस देखा सम करने के बाद सम ऑड है, सम अगर ऑड निकला तो अपन ने बोला भाई नहीं हो सकता, अगर सम इवन निकला तो अपन ने बोला ये सबसेट सम करके देगा, मेरे को नहीं पता। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इक्वल सम पार्टीशन, राइट, बहुत सिंपल है। थैंक्स। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करेंगे जो कि होगी काउंट ऑफ सबसेट सम, राइट, काउंट ऑफ सबसेट सम। ये मोस्ट प्रॉब्लम मैं यही वाली प्रॉब्लम पिक करूँगा, और तुमको अभी भी समझ में आ ही रहा होगा कि ये प्रॉब्लम भी काफ़ी कुछ सबसेट सम जैसा लग रहा है नाम में ही, तो कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड होगा ही, और काफ़ी सेम है। थैंक्स अ लॉट।